हेलो बच्चों, आज हम द फॉरेस्ट गॉड 10वां पाठ है। इसका एक वीडियो तो हमने पहले बना ली थी, आज हम दूसरी वीडियो बनाने जा रहे हैं। और पहले वाली योजना में उसमें वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ा था कि योगी चंद स्टॉप्ड द लायन, योगी चंद ने शेर को रोक दिया, क्योंकि पिछली वीडियो में जैसा कि आपने पढ़ा था वो बर्तन लेके आया था ना योगी चंद, तो शेर ने उसमें सोना ही सोना सोने से भर दिया था। और शेर ने ये कहा था कि जब आपका बर्तन भर जाए तो मुझे रोक देना, तो योगी चंद ने शेर को रोक दिया। अब उससे आगे पढ़ेंगे थस, इस प्रकार, थस मीन क्या होता है, इस प्रकार योगी चंद बिकेम रिच, इस प्रकार योगी चंद रिच माने धनवान, बिकेम माने बन गया या हो गया, इस प्रकार योगी चंद धनवान हो गया एंड हैप्पी और खुश हो गया। ही बोट ए न्यू हाउस, ही बोट उसने खरीदा, बोट सेकंड फॉर्म में बाई मीन खरीदना उसकी, बोट सेकंड, ही बोट ए न्यू हाउस, उसने एक नया घर खरीदा एंड गुड क्लोथ्स और अच्छे कपड़े खरीदे। वहन गोपी चंद सा दिस, जब गोपी चंद ने यह देखा, दिस माने यह, सा माने देखा, ही आस्ड योगी चंद, उसने योगी चंद से, आस्ड मीन पूछा, उसने योगी चंद से पूछा अबाउट द सीक्रेट, सीक्रेट मीन रहस्य, इस रहस्य के बारे में पूछा कि आपके पास इतना धन कहाँ से आया। योगी चंद टोल्ड हिम, योगी चंद ने हिम माने उसे, टोल्ड माने बताई, द एंटायर स्टोरी, एंटायर मीन पूरी, स्टोरी मीन कहानी, योगी चंद ने उसे सारी कहानी या पूरी कहानी बताई। नेक्स्ट डे, अगले दिन गोपी चंद ठू, गोपी चंद भी, ठू माने भी, रीच्ड द फॉरेस्ट, रीच्ड माने पहुंचा, फॉरेस्ट मीन जंगल में, अगले दिन गोपी चंद भी जंगल में पहुंचा विद ए पॉट, पॉट मीन बर्तन, विद माने के साथ, बर्तन के साथ या बर्तन लेकर, लाइटेड ए, लाइटेड मीन जलाई, ए कपल ऑफ, कपल मीन दो, सेंटेड स्टिक्स, दो सेंट लगी हुई छड़ियां जलाई, एंड बोर्ड और झुका, बोर्ड मीन झुका या प्रणाम किया, द लायन लाफ्ड, शेर हंसा, लाफ्ड मीन हंसा, सो यू हैव कम फॉर गोल्ड, तो तुम कम माने आए हो, फॉर गोल्ड मीन सोने के लिए, तो तुम सोने के लिए आए हो, मेक श्योर दैट, मेक श्योर मीन क्या होता है, पक्का करो, श्योर मीन पक्का, मेक मीन करो या सुनिश्चित करो, दैट नो गोल्ड क्वाइन फॉल्स डाउन, कि कोई भी जो क्वाइन है, सोने का क्वाइन है, फॉल्स डाउन, नीचे नहीं गिरे, ये पक्का करो, ये सुनिश्चित करो कि नो गोल्ड क्वाइन, कोई भी सोने का सिक्का फॉल्स डाउन, डाउन मीन नीचे, नो मीन नहीं, फॉल्स माने गिरे, ये तुम पहले तसल्ली कर लो। सेइंग दिस, ये कहते हुए द लायन रोयर्ड, शेर रोयर्ड मीन दहाड़ा या गरजा, द गोल्ड क्वाइंस स्टार्टेड फॉलिंग, सोने के सिक्के, फॉलिंग माने गिरने, स्टार्टेड मीन शुरू हो गए, सोने के सिक्के फॉलिंग माने गिरने लग गए। गोपी चंद वॉज ग्रेडी, गोपी चंद बहुत लालची था, ग्रेडी मीन लालची, ही वॉन्टेड मोर, वह बहुत ज़्यादा चाहता था, ही डिड नॉट स्टॉप द लायन, उसने शेर को नहीं रोका, डिड नॉट, नॉट माने नहीं, स्टॉप माने रोकना, इवन, इवन वैन, इवन वैन का मतलब होता है जब भी, वैन माने जब और इवन माने में, जब भी उसको नहीं रोका, द पोर्ट वॉज फिल्ड, बर्तन जो है वो भर गया था, टू द ब्रीम, ब्रीम माने क्या होता है, ऊपर चोटी तक, जब वह बर्तन भर गया था तो भी उसने उसको नहीं रोका, शेर को नहीं रोका, क्योंकि वह लालची था, सो इसलिए एक कपल ऑफ गोल्ड क्वाइंस, कपल मीन दो, गोल्ड क्वाइंस सोने के सिक्के, फैल मैंने गिर गए ऑन द ग्राउंड, जमीन पर
गिर गए, क्योंकि वो लालची था ना, उसने रोका नहीं उसको, इसलिए दो सिक्के नीचे गिर गए। द लायन सेड, शेर ने कहा, ए गोल्ड कॉइन हैज स्टक इन माय माउथ, एक सोने का सिक्का स्टक मीन अटक गया है, चिपक गया है इन माय माउथ, मेरे मुंह में, जस्ट टेक इट आउट, इट माने इसे, टेक आउट माने बाहर निकालो, जस्ट माने अभी अभी इसे भी बाहर निकालो। एज ही पुट हिज हैंड, ज्यों ही, एज का अर्थ क्या लगेगा, ज्यों ही पुट हिज हैंड, उसने पुट में रखा हिज हैंड अपना हाथ इन टू द माउथ, मुंह में, द माउथ शट, मुंह बंद हो गया। किसका मुंह बंद हो गया भाई, शेर का, शट मीन बंद हो गया। देखो ये जैसा कि इस चित्र में भी दिखाया गया है, ये रहा, ये गोपी चंद ने इस शेर के मुंह में हाथ दिया और ये मुंह बंद हो गया शेर का, ये सिक्के नीचे बिगड़े हुए इस बर्तन में से। तो जो ही, एज ही पुट हिज हैंड, जो ही उसने अपना हाथ मुंह में रखा, द माउथ शट, मुंह बंद हो गया, हिज हैंड, उसका हाथ गोट ट्रैप्ड इन टू द माउथ, मुंह में ट्रैप हो गया, फंस गया, हिज हाथ उसका हाथ गोट ट्रैप्ड, फंस गया इन टू द माउथ, किसके मुंह में भाई, शेर के मुंह में। ही स्टार्टेड क्राइंग, क्राई मीन चिल्लाना, स्टार्टेड मीन शुरू कर दिया, उसने चिल्लाना शुरू कर दिया या वह चिल्लाने लगा, बट टू नो अवेल, परंतु वहाँ तो कोई नहीं था, बट टू नो अवेल, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ चिल्लाने का। व्हेन गोपी चंद डिड नॉट रिटर्न फॉर लॉन्ग, जब गोपी चंद वापिस, रिटर्न मीन वापिस, नॉट माने नहीं आया, फॉर लॉन्ग मीन काफ़ी लंबे समय तक, हिज वाइफ, उसकी पत्नी, टुक योगी चंद, हिज उसकी पत्नी ने योगी चंद को साथ लिया, अलोंग अपने साथ, टू लुक फॉर मीन ढूंढने के लिए, हिम उसे, तो गोपी चंद की पत्नी ने उसे ढूंढने के लिए योगी चंद को अपने साथ लिया। देसा गोपी चंद हैंड ट्रैप्ड, देसा उन्होंने देखा गोपी चंद को हैंड ट्रैप्ड, गोपी चंद का हाथ फंसे हुए उन्होंने गोपी चंद को फंसे हुए हाथ देखा, फंसा हुआ देखा। देर वॉज नो वे आउट, वहाँ कोई तरीका नहीं था वह इसको निकालने का। हिज वाइफ स्टार्टेड गोइंग टू द फॉरेस्ट, उसकी पत्नी स्टार्टेड गोइंग, जाने लगी टू द फॉरेस्ट, जंगल में, टू फीड हर हस्बैंड डेली, अपने पति को रोजाना खाना खिलाने के लिए जाने लगी, क्योंकि उसका हाथ शेर के मुंह में फंस गया था तो वो उसको छुड़ा नहीं पाए, तो वहीं जंगल में ही उसकी पत्नी उसे रोज़ फीड करने के लिए, फूड मीन खाना खिलाने के लिए, जंगल में जाना शुरू कर दिया। वन डे, एक दिन, सी रीच्ड, वह पहुंची, देर एम्प्टी हैंडेड का मतलब खाली हाथ, एक दिन वह वहां खाली हाथ पहुंची। सी स्टार्टेड क्राइंग, वह चिल्लाने लगी, एंड सेड, और कहा, नाउ मीन अब, देर इज नथिंग मोर लेफ्ट इन द हाउस, अब हमारे घर में नथिंग लेफ्ट, कुछ नहीं बचा, लेफ्ट मीन बचा, नथिंग माने कुछ नहीं। टू मेक बोथ एंड्स मीट, ये मुहावरा, टू मेक बोथ एंड्स मीट का मतलब होता है अपना पेट भरने के लिए, अपना पेट भरने के लिए, ये मुहावरा, टू मेक बोथ एंड्स मीट, अपना पेट भरने के लिए अब घर में कुछ भी नहीं बचा, नथिंग टू ईट टूडे, और आज खाने के लिए भी कुछ नहीं है। गोपी चंद लुकड एट हर हेल्पलेसली, हेल्पलेस, हेल्प मीन सहायता करना, हेल्पलेस बिना सहायता के, लाचार। गोपी चंद ने लुकड मान देखा एट हर उसकी तरफ, हेल्पलेसली, लाचारी से, बेचारापन से गोपी चंद ने उसकी तरफ देखा। हियरिंग दिस द लायन
हियरिंग दिस, ये सुनकर द लायन स्टार्टेड, शेर ने शुरू कर दिया लाफिंग, हंसना, शेर हंसने लगा। यू हैव बीन पुनिश्ड फॉर योर ग्रीड, यू हैव पुनिश्ड, तुम्हें दंड दिया गया, पुनिश मीन सजा देना, तुम्हें सजा मिली है फॉर योर ग्रीड, तुम्हारी लालचीपन का, ग्रीड, ग्रीड मीन क्या होता है, लालच, तुम्हें तुम्हारी लालच का दंड मिला है या सजा मिली है। द लायंस माउथ ओपन्ड, शेर का मुंह खुला या शेर ने मुंह खोला। गोपीचंद हैड लर्नड ए लेसन, गोपीचंद ने लर्नड माने सीखी, ए लेसन माने एक शिक्षा, इन हिज लाइफ, अपने जीवन में, गोपीचंद ने अपने जीवन में एक शिक्षा प्राप्त की। तो इस प्रकार ये पाठ कंप्लीट हो गया। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अधिक लालच नहीं करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ कंप्लीट हो गया। इस पाठ की दोनों वीडियो आप पढ़ करके इस पाठ की हिंदी भी याद करेंगे, वर्ड मीनिंग भी लिखेंगे कॉपी में और याद भी करेंगे। जय हिंद।